वेलकम बैक माई नदर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं मेरा दोस्त के साथ में दुर्गा, जो कि अयोध्या का मंदिर का सेम टू सेम मंदिर यहाँ पे भी बनाया गया है, पंडाल पूरा, और आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो हमारे साथ एकदम कंटिन्यू बने रहें। और मेरे साथ मेरा दोस्त अमित, वो भी जा रहा है, और आज दोनों मिलके पूरा जितना भी जगह है पंडाल बना हुआ है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो हमारे साथ एकदम कंटिन्यू बने रहें। देखते ये भी ब्लॉग बना रहा है पूरा पीछे, तो अमित चलाएगा बाइक और हम पीछे बैठेंगे और ब्लॉग करते हुए देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे हुए हैं आपका ये शहीद मैदान के पास हम लोग पहुंचे हैं, जो कि जगन्नाथ से थोड़ा सा आ गया है, वही एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है रात में, और देख सकते इधर, और थोड़ी देर में हम लोग मंदिर बोले तो पंडाल पहुँच जाएंगे। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं रेस्टोरेंट में, हमको बहुत ज़ोर का भूख लग रहा था, और मेरा दोस्त क्योंकि लोग ना बहुत राइड करते हुए ना पूरा स्पीड से बहुत आरामी तरीका से ना बना चलाते हुए आ रहा था। देखो मैं अगर बोलने नहीं पा रहा हूँ, खाना भूख लग रहा था। अगर जल्दी नहीं पहुँचा था तो इसका हालत खराब होता, लेकिन जल्दी पहुँचाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगा था, इसलिए अभी खा के उसके बाद आप लोग सारा पंडाल का फूलों का नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी हम लोग ऑर्डर दिए हुए हैं, तो हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, देख सकते हैं। तो रोटी और ये क्या है? पनीर, मशरूम पनीर। खाना वाना खा लिए, रोटी वोटी सब कुछ। और अभी हम लोग का बिल मिला है, देखते हैं बिल कितना का भाई। तो गाइस अभी हम लोग बिरसा चौक में हैं, और देख सकते हैं अभी जो हम लोग अभी खाना खाने के लिए आए थे वो होटल पीछे दिख रहा होगा। और ये आपका बिरसा चौक, काफ़ी भीड़ है अभी, और भीड़ से हम लोग को निकलते हुए फिर हम लोग को पंडाल भी देखना है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और गेट के सामने, अब गेट देख सकते हैं श्री राम मंदिर रांची। और हम तो गाइस देख सकते हैं पूरा पूरी एकदम खचम खच भीड़ है एकदम चारों तरफ, और काफी लोग देखने के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग भी देखने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा आगे भीड़, एकदम जाने का रास्ता एकदम पूरा ब्लॉक हो चुका है, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है हम लोग को। तो चलिए धीरे धीरे निकलते हैं हम लोग। This
इज नॉर्मल 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 है यार। नीचे उतर रहे हैं और काफी मजा आया, ऊपर का नजारा एकदम बहुत ही अच्छा था। कैसा लगा? बढ़िया नहीं लगा, बच्चा वाला था, बच्चा लगा, कैसा लगा? हल्का हल्का घुमा ही रहा था। अभी हम डांस किए, वहाँ पे ढोल नगाड़ा था, पूरा पूरा मजा आया एकदम। और मन तो कर रहा था और भी डांस करे पर नहीं हो पाया, तो चलिए फिर आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो अभी हम लोग बकरी बाजार जाएंगे गाइस और आप लोग को दिखाएंगे। चलिए एक बार उड़ाइए तो चलो भाई का। तो फाइनली गाइस हम लोग बकरी बाजार पहुंच चुके हैं और इसका गेट देख सकते हैं, हम लोग गेट से अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं आगे। आज तो खाली खाली लग रहा है। और ये रहा भारतीय युवा संघ बकरी बाजार रांची, और मेरा दोस्त आगे आगे जा रहा है और आगे का पंडाल दिख रहा होगा। ये रहा आपका पंडाल, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। तो सामने जा कर दिखाते हैं आप लोग को। बाजार का हम पंडाल पहुंच चुके हैं और पंडाल का आप लोग का नज़ारा पूरा दिखाएंगे यहाँ का, सिनेमैटिक्स में एक बार दिखाते हैं आप लोग को। ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने के लिए मिला और बहुत अच्छा लगा मंदिर। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए आज अभी यहाँ से हम लोग घर की ओर निकलते हैं और मेरा दोस्त आगे आगे जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कहाँ का है, ये कलकत्ता का पूरा सजाने का सामान है, घुंगरू देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम, क्या है। आप लोग आइए, इसको ज़रूर खरीदिए। और भैया मेरा दोस्त यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आया है।